तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए, और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में उसको इसमें अप्लाई किया जाए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3 एंड 4 विदाउट रिपीटिशन मेक द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स, कि मतलब 1, 2, 3 और 4 को यूज़ करके आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर की, कि एक ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे बनेगा, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनने के लिए उसके थाउजेंड्स प्लेस पे ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू होना चाहिए। जैसे एक 4 डिजिट नंबर है, ठीक है, अब यहाँ पे उसका वी नो दैट यहाँ पे 1000 प्लेस है, यहाँ पे 100 प्लेस है, यहाँ पे 10 प्लेस है, यहाँ पे 1 प्लेस है। तो अगर मुझे इस नंबर को मैक्सिमाइज करना है तो 1000 प्लेस पे मुझे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू डालना पड़ेगा। सिमिलरली फिर एक बार ये हो जाए फिर हमको 100 प्लेस पे आना पड़ेगा, 100 प्लेस पे आके मुझे फिर से यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू डालना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग कर देते हैं MPV, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा तो फिर 10th प्लेस पे आके मुझे MPV मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू डालना पड़ेगा, और फिर फाइनली 1th प्लेस पे आके मुझे उसका जो भी वैल्यू बचा है उस पर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू डालना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट्स ही हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो अगर मैं 1000th प्लेस की बात करूँ, अब मान लो कि ये एक बॉक्स दिया है जिसमें हमको नंबर बताना है कि 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा। तो अब हम शुरुआत की हमने 1000 प्लेस से कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं। तो आपने देखा कि 1, 2, 3 में मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1000 प्लेस पे 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 डाल दिया। हाँ, अब हम 100 प्लेस पे, अब हमारा 4 तो जा चुका है, अब हमारे पास 1, 2, 3 ही बचा है। तब 1, 2, 3 में मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, सिंपल 3, तो यहाँ पे हमने 3 डाल दिया, अब हमारे पास 3 भी चला गया। अब 10th प्लेस पे आए, अब 1 और 2 में मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो 10th प्लेस पे जाएगा वो क्या है, 2, तो हमने 2 यहाँ पे लिख दिया, जो रिमेनिंग 1 बचा वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो मैक्सिमम पॉसिबल, और इसको ऐसे कर ले कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर वो होगा 4321। अब तुम ये भी सोच रहे होगे कि हमने रिवर्स क्यों नहीं किया, कि हमने पहले 1st प्लेस पे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्यों नहीं डाला। तो चलो डाल के देख लेते हैं आंसर आता है या नहीं। तब अगर हम वन से शुरू करते हैं, मान लो 4 डिजिट नंबर है, हमने यहाँ पे पहले मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू डाल दिया, तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1, 2, 3, 4 में से कौन सा होगा, 4, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया, अब 4 चला गया। अब बचा 3, 2, 1, 3, 2, 1 में मैक्सिमम पॉसिबल क्या है, 3, तो हमने 3 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर 2 और 1 में मैक्सिमम क्या है, 2, तो यहाँ पे हमने डाल दिया, और फाइनली 1 हमने यहाँ पे डाल दिया। अब 1234 और 4321 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 4321 बड़ा है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें तो हम स्टार्ट करेंगे 1000 प्लेस से, 4 और 1 में 4 बड़ा है, तो 4321 इज ग्रेटर देन दिस। इसीलिए आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना के नंबर लिख लो, ये हमेशा आपको ग्रेटेस्ट ही मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, कि जो नंबर्स दिए हुए हैं 123, 321, 213 एंड 312, इन नंबर्स को हमको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो शुरुआत करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब हमको यहाँ पे दो नए टर्म्स दिख रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर के बारे में मैं आपको बता दूं, इफ़ यू आर अरेंजिंग द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है, अगर आप नंबर्स को छोटे से लेकर बड़े की तरफ अरेंज कर रहे हैं तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर बोल रहे हैं, और अगर आप सेम नंबर्स को ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करते हैं, मतलब बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करते हैं, तब हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। तो अब हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो हमारे पास नंबर्स क्या है, 123, 321
213 and 312। तब हमको कंपेयर करने के लिए हम हमेशा हाईएस्ट प्लेस वैल्यू से शुरू करेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है 1, 3, 2 and 3। तब हमने देखा कि 1, 3, 2 और 3 ये जो नंबर से हंड्रेड्स प्लेस पे हैं, तब इनमें से हाईएस्ट कौन सा है? 3। लेकिन 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। तब हमने हमको पता है कि जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो या तो 321 होगा, 321 होगा या 312 होगा। तब हमने देखा, अब हम इनके टेंस प्लेस पे गए इनको कंपेयर करने के लिए। तो टेंस प्लेस पे जब हम आए तो हमने देखा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 में कौन बड़ा है? 2। तो इसलिए 321 जो होगा वो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा इन चारों नंबर्स में। तो अब 321 जा चुका है, अब हमको 123, 213 और 312 को कंपेयर करना है। तो फिर से हमने 100 प्लेस को देखा, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ का मैक्सिमम है। तो इससे जो छोटा होगा लेकिन जो इन तीनों में सबसे बड़ा होगा वो होगा 312। तो इसके बाद आएगा 312। तब हमारे पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब 123 और 213 में बड़ा कौन है? ये तो सिंपल है, आप खुद ही बता सकते हो। जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 213। तो 213 और लास्टली 123। तो इस टाइप में जब हमने इसको अरेंज किया, जहाँ पे हमने सबसे मैक्सिमम वैल्यू लिखा और फिर हम धीरे धीरे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ गए, तो ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और इसी को अगर हम उल्टा लिख देते ऐसे कि मान लो 123, फिर 213, 312 और फाइनली 321, तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोल देते हैं।